तो गाइस इंस्टाग्राम पे जो ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में, तो आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं सिखाने वाला हूँ कि आप लोग कैसे इस वीडियो को एडिट करोगे। तो आप लोगों को सिंपली सबसे पहले करना है कि आप लोगों को सिंपली यहाँ पे स्नैपचैट पे चले जाना है, एंड अगर आपके पास नहीं है तो आपको इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। दैन उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे करना है, गाइस आप जैसे यहाँ पे जाओगे मतलब कि स्नैपचैट में, तो आपको सिंपली यहाँ पे फिल्टर वाले ऑप्शन में चले जाना है। एंड फिल्टर वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप लोगों को सबसे लास्ट में चले जाना है। वहाँ पे आपको एक सर्च का आइकन दिखेगा, आपको एकदम सिंपली जब जैसे जाओगे तो वहाँ पे आपको सर्च के आइकन पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे सर्च के आइकन पे क्लिक कर देने के बाद आप लोग यहाँ पे सिंपली सर्च करना है जो कि है कार्टून किड। ठीक है, इतना सर्च करोगे जैसे ही आपके सामने काफ़ी सारे फिल्टर्स आ जाएंगे, बट उसमें से आपको कौन सा वाला यूज़ करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे इतना टाइप करोगे तो सबसे फर्स्ट वाला जो है ये यूज़ करना है। एंड उसके बाद आप लोग जो है यहाँ पे वीडियो मोड पे आपको अपने कैमरे को कर लेना है, और अगर नहीं होता है तो आपको उसके ऊपर एकदम मतलब कैमरे को ऊपर प्रेस करके रखना है, आपकी जो वीडियो रिकॉर्ड होने स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे जो है मतलब कि हम वीडियो को पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं, देन बताता हूँ मैं आपको करना क्या है। और गाइस आप लोगों को मैं एक चीज़ पहले एक बोलना चाहता हूँ कि गाइस आप चाहो तो इसमें वीडियो फोटो दोनों मतलब कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट स्टार्टिंग की जो वीडियो आपके कार्टून मोड में होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट में जो आप फोटो भी यूज़ कर सकते हो और वीडियो भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दोनों चीज़ आप रेडी रखना। अब उसके बाद देखिएगा जब आपका इतना काम हो जाएगा तो आपको सिंपली इसको सेव टू गैलरी कर लेना है। एंड सीधा हो जाने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ से करना है कि यहाँ से बैक चलना है, और बैक जाने के बाद आप लोगों को करने का यहाँ से बैक जैसे ही जाओगे आप तो आपको सिंपली यहाँ पे जो है मतलब कि कैपकट ऐप को ओपन कर लेना है, क्योंकि यार इसमें आपको जो है ब्लर इफेक्ट एंड बॉडी इफेक्ट ये सब भी डालना है। तो यहाँ पे हम कैपकट ऐप को यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पे कैपकट ऐप में जैसे ही जाओगे तो आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप लोगों को जो है यहाँ से अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना है जिस वीडियो को आप एडिट करने वाले हो। ठीक है, तो हम जो उस वीडियो को पहले ऐड करेंगे जो कि होगा हमारा कार्टून वाला। ठीक है, पहले आपको उस वीडियो को ऐड करना है, और यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेते हैं पहले। ठीक है, फिर आपको मैं बताता हूँ आगे का स्टेप जो हमको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वीडियो को ले लेते हैं। वीडियो को लेने के बाद आप लोगों को सिंपली ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड जैसे ऐड हो जाएगा आप लोगों को जो गाइस यहाँ पे पहले वीडियो दिखा देता हूँ। वीडियो की जो लेंथ होगी कम से कम भी इन दो गाइस आप लोगों को 8 से 9 सेकंड तक रखना है, यहाँ पे मैंने 11 सेकंड तक कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हो जाने के बाद आप लोगों को लास्ट का जो वाटर मार्क उसको डिलीट कर देना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करके यहाँ पे जो आपको अपनी फोटो वीडियो जो भी आपने शूट किया उसको ऐड कर लेना है। यहाँ पे मैंने गाइस फोटो शूट करी है तो अपने फोटोज़ को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, तो यहाँ से हम जो है यहाँ से फोटोज़ को ले लेंगे। तो ये यहाँ पे कम से कम भी नहीं तो गाइस 2 फोटोज़ आप यूज़ करना। ठीक है, और चाहो तो मतलब कि लेंथ अगर छोटी छोटी करके रखोगे तो आप 3-4 भी कर सकते हो। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे ऑडियो ऐड करेंगे। पहले ऑडियो ऐड करने के लिए आपको जो एक वीडियो मिल जाएगी, ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को डाउनलोड कर लेना, उसका ऑडियो आप लोग वहाँ पे ऐड कर लेना है। एंड यहाँ से बैक चलना है, इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे इफेक्ट के ऊपर जाना है, वीडियो इफेक्ट पे जाना है। वीडियो इफेक्ट पे जाने के बाद आप लोगों को सिंपली बेसिक में चले जाना है। बेसिक में चले जाने के बाद आपको हेलो ब्लर लेना है यहाँ पे सेकंड वाला। एंड उसके बाद आप लोग यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपकी स्किन इंटेंसिटी बढ़ा देना है, स्पीड को गाइस अपने अकॉर्डिंग रख लेना है आप लोगों को अपनी वीडियो के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको रख रहा हूँ 17 तक। एंड उसके बाद डन कर देंगे। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे वीडियो को प्ले करके चेक करेंगे कि आपकी वीडियो जो है यहाँ पे मतलब कि ब्लर जो है उसमें ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा, और जो म्यूज़िक के हिसाब से जो ब्लर यहाँ पे मतलब कि उतना ही है ना, तो आप लोगों को इतना इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्योंकि गाइस अभी तो मैं आपको यहाँ पे म्यूज़िक नहीं सुना पा रहा हूँ, बिकॉज गाइस आप लोगों को पता है गाइस म्यूज़िक मैंने अगर सुना है तो गाइस जो भी अर्निंग वगैरह है सब रह जाएगी मेरी वीडियो की, तो अभी मैं स्क्रीन म्यूज़िक नहीं सुना सकता आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को करना है गाइस जितना हो जाने के बाद आप लोगों को जो है यहाँ पे एक बॉडी इफेक्ट भी ऐड करना है। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले वीडियो इफेक्ट से पहले एक इफेक्ट ऐड कर लेते हैं जो कि होगा वहाँ वाला, क्या कहते हैं ब्लैक लाइट वाला। ठीक है, तो हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रेंडिंग में जाएंगे। ट्रेंडिंग में जाने के बाद वो नीचे की तरफ जाना है, और ये वाला जो बैक फ्लैश है ये वाला आपको सिंपली इसको ऐड कर लेना है, और इसको जो है आपको यहाँ पे बीट के हिसाब से रखना है। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं रखना है, तो यहाँ तक हम रखेंगे, बीट इतनी है। तो उसके बाद देखिएगा यहाँ पे हमने इसको प्ले किया। ठीक है, एंड बीच में जो आपको एक एनिमेशन भी ऐड करना हो प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। एंड जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उतना होने के बाद आपको डन करना है। एंड उसके बाद जो है आपको एक बार और प्ले करके चेक करना है। तो यहाँ पे देखिएगा इस कुछ इस टाइप से जो हमारी वीडियो मतलब लास्ट में जब फोटो आएगी कुछ टाइप से आएगी, तो यहाँ पे भी अभी क्या एनिमेशन ऐड कर लेते हैं जो कि हम इसमें से ये वाला ऐड करेंगे। ठीक है, या फिर ये वाला भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को, तो मैं ये रख लेता हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से रख लेना जो आपको बेस्ट लगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्ले करके देखते हैं एक बारी कि कैसी लग रही है वीडियो। तो मैं काफ़ी अच्छी लग रही है वीडियो यहाँ पे। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे जो है गाइस देख लेना एक दो इफेक्ट, अगर मतलब कि यहाँ पे जो एक इफेक्ट रहता है हमारा, ठीक है, ये वाला। तो आप हम क्या करेंगे, सबसे पहले गाइस यहाँ पे जो है हम मतलब कि बॉडी इफेक्ट में ऐड करेंगे। यहाँ पे बॉडी इफेक्ट में जाएंगे, ट्रेंडिंग में जाएंगे। ट्रेंडिंग में जाने के बाद सबसे फर्स्ट वाला जो ये है हम ये वाला इफेक्ट इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आप लोगों को इसका जो लेंथ है इसको अपने अकॉर्डिंग रख लेना है यहाँ पे। एंड यहाँ पे वीडियो को प्ले करके देख लेना है कि आपकी वीडियो जो अच्छे तरीके से एडिट हुई है कि नहीं हुई है। तो यहाँ पर गाइस देखिए हमारे इफेक्ट वगैरह सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम इसको भी कर लेते हैं। अब गाइस देखिए यहाँ पे फाइनल रिजल्ट में आपको करना क्या है,
अब जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफेक्ट वगैरह चेक कर लेना, अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है, बाकी वगैरह यहाँ से बहुत सारे इफेक्ट हैं, इसमें अगर आप चेंज करना चाहो तो भी चेंज कर सकते हो, इफेक्ट में है। एंड यहाँ पे बहुत सारे मतलब फिल्टर्स दे रखे सोशल मीडिया वाले, कैमरा वैमरा, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। बाकी का आज की जो हमारी वीडियो थी वो यहीं तक थी, तो आई होप कि आपसे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आता वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी चलेगा मिलता हूँ किसी ने वीडियो में, तब तक कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।